हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो थिंग्स में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग के वॉशिंग मशीन की, जो कि है 6.5 kg का, यानी कि 6.5 kg, और वॉबल टेक्नोलॉजी के साथ है। यहाँ पर आप जो है इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉबल टेक्नोलॉजी। आज हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है डैशबोर्ड इसका, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमको दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमको वाटर लेवल दिया गया है, यानी कि इससे आपको वाटर का लेवल सेट करना है कि आपको कितना वाटर चाहिए। सेकेंड नंबर पे है आपका एयर टर्बो। अब एयर टर्बो का मतलब है कि इसमें दो है, एक 15 मिनट का है और एक 30 मिनट का। जैसे कि बरसात का दिन है, आपके कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो आप एयर टर्बो को चालू करके यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कपड़ों को थोड़ा सुखा सकते हो, ड्राई कर सकते हो, तो इसलिए एयर टर्बो यहाँ पे काम आता है। उसके बाद है यहाँ पर वॉश, यानी कि आपको कपड़े को धोना है, उसके लिए बटन है। उसके बाद रेंस, यानी कि उसके गाड़ने के लिए है। उसके बाद है स्पिन, यानी कि उसको सुखा, मतलब कपड़े से पूरा पानी जो है यहाँ पर उसको निकाल देगा, यानी कि जो भी पानी उसमें रहेगा उसको पूरा निकाल देगा, निचोड़ देगा, जिसको निचोड़ना बोलते हैं। ये चीजें हो गई। यहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह बताता रहेगा वो, कि इसमें टाइमिंग कितनी होगी, किस चीज की क्या टाइमिंग होगी वो बताएगा आपको। यहाँ भी वॉश है, रेंस है और स्पिन है, ये तीनों चीज दिया है। अब ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पावर बटन। तो पावर बटन क्या होता है कि इससे आप जो है पावर आपका स्टार्ट होगा। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने दबाया और ये देखिए यहाँ पर जो है स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मोड की बात करें, अब नीचे है स्टार्ट और पॉज, यानी कि आप इसको रोक सकते हो इससे और स्टार्ट भी कर सकते हो, वो आगे हम आपको चला के दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पहला वाला जो फंक्शन है, इसको हम फजी मोड बोलते हैं। कौन सा मोड? फजी मोड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है फजी मोड से? फजी मोड से ये होता है कि अगर आपने कई प्रकार के कपड़े हैं, जैसे एक ही में जीन्स भी डाल दिया, उसमें शर्ट टी शर्ट मिक्स, अगर आपको कोई चीज धोना है तो आप फजी मोड पर डालकर उसको इसके अंदर आप डालकर और कपड़े को धो सकते हो। ये चीजें हो गई यहाँ पर। अब अगर हम बात करें कि अगला जो मोड है, अगला मोड है क्विक मोड है। क्विक मोड है यानी कि क्विक मोड में आपको क्या करना है कि बहुत ही जल्दी अगर कपड़े धोने हैं, लगभग 15 से 20 मिनट में, तो क्विक मोड में आप कपड़े धो सकते हैं। सोक, सोक का मतलब है कि कपड़े अगर आपके ज्यादा गंदे हैं तो उसको सोक मोड पर आप धो सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा थर्ड वाला। अब जो फोर्थ नंबर का आता है, तो फोर्थ नंबर पे जीन्स, अगर सिर्फ आपको जीन्स ही जीन्स धोने हैं तो आप वहां पर डाल सकते हो, सिर्फ जीन्स ही जीन्स यहाँ पर धो सकते हो। ब्लैंकेट की बात करें, अगर आप कोई कंबल धोना है तो इस मोड पे लगाइए और इसमें कपड़े डालिए, आप ब्लैंकेट डालिए, वो धुल जाएगा। अब ये डेलीगेट्स मोड क्या होता है? इसमें कि मतलब कुछ फैंसी कपड़े हैं आपके, जो ज्यादा मतलब फैंसी टाइप के हैं, बहुत ही नरम मुलायम है, तो वो आप डेलीगेट्स में उसको करके धो सकते हो। तो ये आपके 6 मोड यहाँ पर दिया गया है। तो मेनली जो है हम ऑपरेट करते हैं फजी मोड पे ही ज्यादा कपड़े धोते हैं, क्योंकि सब मिक्स कपड़े धोते हैं, लेकिन आप चाहें तो जीन्स मोड पे, ब्लैंकेट मोड पे, इन सभी मोडों पर जो है यहाँ पर आप धो सकते हो। जैसे देखिए, जैसे हमने जीन्स मोड पे डाला, तो जीन्स के लिए देखिए हमारे पास 49 जो है मिनट का टाइम आया कि आपको 49 मिनट तक लगेंगे। आपने ब्लैंकेट मोड पे डाला तो आपको 72 मिनट लगेंगे। आपने डेलीगेट्स पे डाला तो आपको 35 मिनट मिलेंगे। सोक पे डाला तो यहाँ पे देखिए अभी टाइमिंग नहीं बताई जा रही है, ठीक है। फजी मोड में भी आपको टाइमिंग नहीं बताई जा रही है। अब अगर हम बात करें फजी मोड की बात करें, तो लगभग आपको यहाँ पर 1 घंटे का टाइम लगता है। ये सब चीजें यहाँ पर होती है। अब ये तो हमने फंक्शनलिटी समझ ली कि किससे हमको क्या धोना है। अब मान लीजिए आपको फजी मोड पे कपड़े धोने, तो आप पहले फजी मोड, सबसे पहले ऐसा आपको मिलेगा पावर बंद। पावर बंद मिला तो आपको इसको क्या करना है, पावर को ऑन करना है। आपने ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद आपको फजी मोड सिलेक्ट करना है। फजी मोड सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो कपड़े हैं, जो भी कपड़े हैं आप इसमें यहाँ पर डाल सकते हैं। और डिटर्जेंट डालने के लिए आपको यहाँ पर ये चीजें दी गई है, इसमें जो है आप डिटर्जेंट वगैरह को डाल सकते हैं। अब ये आपने डिटर्जेंट डाल दिया, अब इसमें आपने कपड़े डाल दिए, जितने भी कपड़े आपको डालने, इतने कपड़े डालने हैं कि जो लगभग 6.5 kg से कम रहे या 6.5 kg तक रहे। कपड़े डालने के बाद आपको जो है इसको बंद कर लेना है। अब बंद कर लिया हमने इसको, अब आपको क्या करना है कि स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो वो चेक करेगा कि आपके में कपड़े कितने हैं, क्या है, कैसा है। उसको चेक करने के बाद उस हिसाब से वो अपना वाटर लेवल को सेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए वो चेक कर रहा है, क्योंकि अभी उसमें कोई कपड़े नहीं है, इसलिए अभी देखिए
उसने चेक किया और उस हिसाब से उसने बताया कि हमको 40 मिनट यहाँ पर लगेगा वाटर लेने लगा। ऑटोमेटिक उसने वाटर लेवल 2 लिया है। आप चाहें तो इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। इससे जितना वाटर लेवल बढ़ाएंगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वाटर लेने में वो टाइम लेता है। ये ऑटोमेटिक है, इसमें पानी आपको ऊपर से नहीं डालना है। पानी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लाइन नीचे आई हुई है, तो वहां से आप पानी को जो ऑटोमेटिक कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए अगर कम कपड़े हैं तो वाटर लेवल 1 रखिए, थोड़े ज्यादा कपड़े हैं तो 2 रखिए, क्योंकि वॉश जब करेगा तब आपको 2 जो है कपड़े मतलब रखने हैं, मतलब 2 पॉइंट पे रखना है। ये किया और फिर आप इसको स्टार्ट कर दोगे तो फिर वो चालू हो जाएगा, पानी लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर हम इसको अभी बंद करते हैं। इसको अब बीच में मान लीजिए कोई कपड़ा आपको निकालना है या डालना है तो आप पॉज करके इसको खोल के डाल सकते हो, निकाल भी सकते हो। ये सब करने के बाद अब जैसे ही अब इसको फिर मैंने ऑफ कर दिया। अब मान लीजिए सिर्फ आपको कपड़े धुले रखे हैं, उसको सिर्फ निचोड़ना है, तो आप पावर को चालू कीजिए और आपको स्पिन वाले मोड को सिलेक्ट करना है। स्पिन वाले मोड को सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है, तो 9 मिनट की टाइमिंग है, वो पूरा इसको सेट कर देगा। वो देखिए स्पिन में जो है घूमने लगेगा अभी, ठीक। यहां पर वो पानी को बाहर निकालेगा और फिर यहां पर वो घूमेगा। ये चीजें हो गई, अब इसको हम बंद करते हैं। तो ये सब फंक्शनलिटी थी। एयर टर्बो को अगर आप सिलेक्ट करते हो, ये देखिए यहाँ पे एयर टर्बो सिलेक्ट कर लोगे तो फिर वो स्पिन के बाद 15 मिनट तक और कपड़ों को सुखाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी सैमसंग के, ये बहुत ही अच्छा ऑटोमेटिक है। और इसकी जो भी मॉडल नंबर डिटेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी जाएगी, लिंक भी डाल दी जाएगी। फ्लिपकार्ट से इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और यहाँ पर आपको इसमें आप देख सकते हो 10 साल की आपको यहाँ पर वारंटी भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा ये वॉशिंग मशीन है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में जाके भी परचेज कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस वगैरह सब मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।